यूपी के जिला बरेली में आंवला तहसील स्थित मनोना धाम के महंत की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मनोना धाम के महंत ओमेन सिंह चौहान महिला को पीटते, मंदिर परिसर में लगे ठेले पलटते और दुकानदारों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। महंत की दबंगई का वायरल हो रहा यह वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। महंत के डर के कारण किसी ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं करी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली की तहसील आंवला में मनोना गांव में खाटू श्याम जी का मंदिर है, जहां रोजाना बरेली ही नहीं बल्कि दूर दराज शहरों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों के बीच यह मनोना धाम के नाम से जाना जाता है। इसके महंत है ओमेन सिंह चौहान। आरोप है कि महंत मंदिर परिसर में लगने वाली अस्थायी व स्थायी दुकानों से प्रति माह शुल्क वसूलते हैं। कुछ लोगों ने बिना शुल्क दिए मंदिर के आसपास ठेले और दुकान लगा लिए तो ये बात महंत को अच्छी नहीं लगी। 3 दिन पहले महंत ने उनकी दुकानों को तोड़ दिया और ठेलों को पलट दिया। इतना ही नहीं, महिला ठेले वालों और दुकानदारों से मारपीट करी। हालांकि महंत के डर से किसी ने भी मारपीट की शिकायत पुलिस से नहीं की है। इस दौरान किसी ने महंत की दबंगई का वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। ये वीडियो द लीडर हिंदी के पास भी पहुंचा। इसे लेकर द लीडर हिंदी ने मनोना धाम के महंत ओमेन सिंह चौहान को फोन करके जानकारी करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। इसलिए द लीडर हिंदी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मामले में आंवला इंस्पेक्टर सतीश सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम को मौके पर भेजा गया है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। अभी मामले में कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।